हेलो बच्चों, आपका अपना भविष्य एक नया लॉजिक लेके आया है। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को क्वेरी थी कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। सो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है ऐसे क्वेश्चंस में कि हमें जो बेस रहेगा वो छोटे से छोटा रखना है, विच मीन्स 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स रखने हैं हमें। सो 9 की जगह पे हम क्या करेंगे बच्चों, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 स्क्वायर रेस टू n इंटू 3 स्क्वायर। बच्चों 3 रेस टू -n/2 तो है ही बच्चों, और -2 पावर है तो उसका उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -3³ रेस टू n upon 3 रेस टू 3m इंटू 2³ = 1/3 रेस टू 3 लिखेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 रेस टू 2n इंटू 3 स्क्वायर प्लस ये 2 2 कैंसल हो जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो ये 3 रेस टू n हो गया और ये 3 रेस टू 3n हो गया बच्चों, अपॉन 3 रेस टू 3m इंटू 2 रेस टू 3 = 1/3 रेस टू 3 बच्चों। अब ये दोनों टर्म को साथ में लेंगे, सो बेस 3 3 है बच्चों, तो पावर का क्या होगा समेशन, तो 3 रेस टू 2n प्लस n क्या हो जाएगा 3n इंटू 3² - 3 रेस टू 3n अपॉन 3 रेस टू 3m इंटू 2³ = 1/3 रेस टू 3। अब बच्चों ये देखो, ये पूरे टर्म में से 3 रेस टू 3n क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो हमने ये टर्म में से 3 रेस टू 3n कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो यहां क्या रहेगा 3² माइनस ये टर्म निकल जाएगा तो 1 रहेगा, और यहां 3 रेस टू 3n इंटू 2 रेस टू 3 1/3 रेस टू 3 रहेगा बच्चों, समझ में आया। अब क्या करेंगे, सो 3 रेस टू 3n, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 - 1, और 3 रेस टू 3m इंटू 2 रेस टू 3 क्या होगा बच्चों 8 = 1/3 रेस टू 3। अब 9 - 1 कितना होता है बच्चों 8, तो ये और ये कैंसल हो गया। अब ऊपर नीचे है तो 3 रेस टू 3n - 3m = 3 रेस टू, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पावर माइनस हो जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है, 1/(x^m) होता है बच्चों, तो x^-m लिखते हैं। अब दोनों का बेस सेम है, सो 3n - 3m = -3। अब हमें यहां ढूंढना है m माइनस है, सो सब में से पहले तो 3 निकाल ले, n - m = -1 और इसको माइनस दे देंगे, सो m - n = 1 बच्चों, समझ में आया। सो m - n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे क्वेश्चंस या तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।